हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट में अपन ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जो आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। और अब पढ़ते हैं अपन उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब मैं सॉल्यूशन आउट कर रहा हूँ 41 नंबर क्वेश्चन। किसका? 41 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या अपन को बोल रहा है, 250 केले बेचने पे एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसने कहा है कि 250 केलों को उसने क्या किया है, सेल आउट किया है, तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने का? 50 केलों को जब बेचेगा उतना उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 250 को बेचने पे 50 के बराबर प्रॉफिट कब हो सकता है? जब वह इन 200 को कितने में खरीद के लाया हो, 200 में खरीद के लाया हो। और कितने का प्रॉफिट? 50 का प्रॉफिट इनटू में परसेंटेज में लाने के लिए 100 कैलकुलेट कर लो, तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होने वाला है? उसे 25% का प्रॉफिट होने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस अपने पहले भी कर लिए थे। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, यानी कि जितने में वस्तु को खरीद के लाया उतने में ही क्या कर रहा है, वस्तु को बेचने का दावा कर रहा है। बट क्या कर रहा है, जब वस्तु को क्या करता है, जब बेचता है तो वह 1 केजी के स्थान पे 960 ग्राम का ही वाट काम में लेता है। उसको होने वाला प्रॉफिट तथा लाभ, प्रॉफिट तथा हानि परसेंटेज ज्ञात करनी है। उसने कहा है कि 1 केजी के स्थान पे जब सेल आउट करता है तो कितना यूज करता है, 960, यानी कि उसे कितना फ़ायदा हो गया, 40 का फ़ायदा हो गया किस पे, 960 पे। इसको कैलकुलेट कर लो तो देखो कितना आ जाएगा, इससे इसको काट लो, इससे इसको, 4 × 2 = 8, 2 बार चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 × 16। फिर इसको काट लो, देखो 4 से काटोगे 25 आएगा, इसको 4 से काटोगे 6 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 4 बार चला जाएगा, 1 × 4 = 1/6% का क्या आ जाएगा, उसको प्रॉफिट आ जाएगा। क्या फाइंड आउट किया अपन ने, प्रॉफिट फाइंड आउट किया। एक बार रिपीट करता हूँ, एक दुकानदार है जो ऐसा बोलता है कि जितने में मैंने वस्तु खरीदी है उतने में ही मैं उसको बेच रहा हूँ, आगे बात समझ में। बट वो करता क्या है कि जब तोलने की बारी आती है तो 1 केजी के स्थान पे ओनली फॉर कितना ग्राम तोलता है, 960 ग्राम ही तोलता है। इट मीन्स उसे फ़ायदा हो गया कितने ग्राम का, 40 ग्राम का, किस पे, 960 पे। इसको फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 4 × 1/6% का क्या होने वाला है, उससे प्रॉफिट होने वाला है। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब अपन फाइंड आउट करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 43 नंबर क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सामान को तोलते वक्त क्या कर दिया, 10% का घाटा, जब वो किसी से खरीद के लाया, मान लो ये कोई बड़ा डीलर है, इससे खरीद के लाएगा तो 10% का क्या लाभ कमा लेगा, फिर जब बेचेगा तो क्या कर देगा, 10% का घोटाला कर देगा। तो वो बोल रहा है कि टोटल उसको कितने का फ़ायदा हुआ, तो 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 पे उसने 1 का प्रॉफिट कमा लिया, क्या आ गया रिजल्ट, 11। यहाँ से भी उसने क्या किया, 10 पे 1 का रिजल्ट कमा लिया तो 11। टोटल कितने में खरीद के लाया, 100 में, कितने में बेच दिया, 121 में, कितने का प्रॉफिट, 21 का, किस पे, 100 पे, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100, तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, उसे 21% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस माइनस 10 इंटू 10, ठीक है, बट्टे में 100, तो देखो दोनों तरफ प्रॉफिट ही हो रहा है, ये क्या हो गया 20, ये इससे कैंसिल आउट, 20 + 1, उसे टोटल ऑफ कितना हो गया, 21% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बट आप इससे ही कर लेना। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि जितने में उसने खरीदा उतने में ही बेच रहा हूँ, बहुत ईमानदार है वो तो,
परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। क्या प्रॉफिट कमा रहा है? तो अपन से पूछा है उसने, क्या पूछा है कि वह 1 kg के स्थान पर कितना सम्मान देता है। तो 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। आगे बात समझो, तो 9 वाली वस्तु पे वो 1 का क्या कर रहा है, फायदा उठा रहा है। यानी कि टोटल रिजल्ट क्या होता है, 1 kg होता है, समझ रहे हो। तो 1 kg में मैं वो ना बेच के कितने में, 900 ग्राम में ही बेच रहा है। क्या 900 ग्राम ही बेच रहा है? तो देखो, 900 में बेचेगा तो क्या होगा, उसे 100 ग्राम का बेनिफिट हो जाएगा। तो 900 वाली वस्तु को अपन परसेंटेज में लाएंगे तो क्या आएगा, 1/9% में बनाएंगे तो 11 से 1/9% का क्या प्रॉफिट। तो वो बोल रहा है कि वो कितना यूज कर रहा है, तो वो 900 ग्राम ही बेच रहा है। 1 kg की जगह कितना बेच रहा है, ओनली फॉर 900 ग्राम ही बेच रहा है। तब जाके उसे 1 kg के स्थान पे अगर वो 900 ग्राम में बेचेगा तो उसे 100 ग्राम का बेनिफिट हो जाएगा। किस पे, 900 पे। परसेंटेज में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11 से ही 1/9% का टोटल ऑफ उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के अंदर एज इट इज आए हुए हैं, ज्यों के त्यों क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही फास्टली अपन इनको फाइंड आउट कर रहे हैं। 44 क्वेश्चन होने के बाद में अब हम अपन फाइंड आउट करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन देखो, 45 नंबर क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि 100 वाली वस्तु वो कितने में बेच रहा है, 10% के प्रॉफिट पे। इसका मतलब 110 में बेचेगा। बट जब उसको तोलना था तो वो क्या तोल रहा था, इससे 100 नहीं तोल के, 100% नहीं दे के अगले को 20% कम ही तोल रहा था। इट मीन्स वो कितना बेच रहा था, उसका 80% ही बेच रहा था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 100 ग्राम कोई वस्तु है, कितने रुपए में खरीद के लाया, 100 रुपये में खरीद के लाया, तो 100 वाली वस्तु पे उसने 10% का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि 110 रुपये में बेचेगा। आगे बात समझो, फिर और कमा रहा है वो, इस 100 ग्राम को, वजन को तोलते समय 100 ग्राम ना दे के कितना दे रहा है, इससे 20% कम, यानी कि उसको कितना दे रहा है, 80% ही दे रहा है। इट मीन्स 100 ग्राम की जगह वो कितना कम, कितना यूज कर रहा है, 80 ग्राम ही सेल आउट कर रहा है। तो देखो, 20 ग्राम का तो उसको यहाँ से फायदा, 10 का यहाँ से, टोटल ऑफ कितना फायदा हो गया उसे, 30 का फायदा हो गया। और बेच रहा है तो किस पे बेच रहा है, उसके 80% पे। तो ये आ गया 80, और परसेंटेज में लाने के लिए 100। कैलकुलेट कर लो, 3/8 कितना होता है, 37.5%। ये आपको परसेंटेज में बहुत अच्छे से वे से बताया था, सब फ्रैक्शन याद करवाई थी एक्सेल लेके 12th तक की। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट करता हूँ, 100 वाली वस्तु पे 10 रुपये का 10% का प्रॉफिट, यानी कि 110 में वो सेल आउट कर रहा है, तथा साथ ही 100 ग्राम ना बेच के या फिर 100 kg ना बेच के कितना तोल रहा है, ओनली फॉर उसका 80%, यानी कि 20% कम बेच रहा है वो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 का 20%, 20 ही रहेगा, यानी कि 80। तो 3 टोटल देखो कितना फायदा हो गया, 10 यहाँ से हो गया, 20 यहाँ से हो गया, तो 30 का फायदा किस पे, 80 पे, 37.5% का उसको टोटल बेनिफिट होने वाला है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि से दोगुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य के लिए ये बोल रहा है, 900 में बेचेगा और एक बार कितने में बेचेगा, 600 में। यहाँ से हुई हानि का लाभ कितना है, दोगुना है। उसने साफ साफ कहा है कि जितने की उसको हानि होती है उससे दोगुना उसको लाभ प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे वे से करवाए थे मैंने। टोटल डिफरेंस 3 का, इनको इनमें से घटाओ, 3 का नहीं है, कितने का है, 300 का। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100। तो या तो इसमें 100 जोड़ दो आप, क्या आ जाएगा, 700, या फिर 900 में से 200 घटा दो आप,
क्या आएगा 700, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 700 रुपया आ जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्वेश्चन नंबर 47 को फाइंड आउट करते हैं। दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति केजी तथा 200 रुपये प्रति केजी है। दो प्रकार की चाय है, एक को तो 180 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीद रहा है, एक को खरीद रहा है 200 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है। इन्हें 5:3 के अनुपात के मिश्रण में मिलाकर 210 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। यानी कि 5:3 में क्या कर रहा है, वो इनको मिक्स कर रहा है। 180 रुपये वाली केजी वाली चीन चाय चाहिए क्या? हाँ चाय। कितने केजी ले रहा है? 5 केजी, और 200 रुपये प्रति केजी वाली तीन। तो टोटल यहाँ से देखोगे आप तो इसने कितना ले लिया, 5 केजी का। 1 केजी का अगर मूल्य 180 रुपये है तो 5 का कितना हो जाएगा, 0। फिर 8 में जो 40, और कितना आ गया, 900 रुपये उसकी जेब से लगेंगे। आगे बात समझे, फिर देखो इसकी जेब से कितने लगे, 600 रुपये। तो टोटल आप देखें तो उसके जेब से कितने रुपए लग गए, 1500 रुपये लग गए। एक बार ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि 180 रुपये प्रति केजी वाली चाय, एक दूसरी चाय है 200 रुपये प्रति केजी वाली, इनको 5:3 में मिक्स मिक्स कर दिया। यानी कि 180 रुपये वाली चाय थी वो तो 5 केजी ली, और जो 200 रुपये प्रति केजी वाली थी वो 3 केजी ली। तो उसने टोटल ऑफ चाय कितने लिए, 8 केजी। 8 केजी चाय का उसको कितना रुपया देना पड़ा, 1500 रुपया। और ये क्या है, उसका क्रय मूल्य। अब जब बेचने की बारी आती है तो वो उस मिक्सचर को 200 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है। कितनी किलो चाय, 8 किलो। खरीद 8 रहा है तो बेचेगा भी कितनी, 8 ही। इसको मल्टीपल कर लो, 0, 8, 16, ये आ गया है इसकी क्या, सेलिंग प्राइस। 1500 में खरीद रहा है, 1680 में बेच रहे हैं, यानी कि 180 का फायदा हो गया, 180 रुपये का फायदा हो गया। किस पे, 1500 पे। इनटू परसेंटेज में लाने के लिए 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो उसे कितने का बेनिफिट हो गया, 12% का प्रॉफिट हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। 180 रुपये वाली 5 केजी लेगा, उसकी जेब से 900 रुपये लगेंगे। 200 वाली 3 केजी, 600 रुपये। टोटल चाय 8 केजी लेगा, 1500 रुपये उसके खर्च हो चुके। जब बेचने की बारी आई, 210 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा, 8 केजी चाय बेचेगा तो 1680 रुपये उसकी जेब में आएंगे। कितना एक्स्ट्रा है, 180 रुपये एक्स्ट्रा है, किससे, 1500 से, इंटू 100। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 12% का उसको प्रॉफिट हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब करते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अपनी क्लास में टाइम पास का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, डायरेक्ट अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। देखो 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति केजी तथा इसमें 50 प्रति केजी के भाव वाला एक वनस्पति तेल मिलाकर इसको 96 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया गया। इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त होता है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, ये बोल रहा है। एक तो है 100 केजी प्रति रुपये, ठीक है, 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, ठीक है। दूसरा है एक 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। इन दोनों का मिक्सचर मिलाया गया और उसे बेच दिया 96 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो अपन को क्वांटिटी निकालनी है कि किस रेशियो में मिला के इसको बेचा है, ताकि कितने प्रतिशत का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। देखो इसमें से ये घटा लो और इसमें से ये घटा लो, तो देखो ये रिजल्ट कितना बचेगा, यहाँ से 4, 100 में से 96 चला गया, 4 बचा। ये इसमें से ये घटाओ तो ये कितना आ गया, 46, कितना आएगा, 46, ये रिजल्ट आ गया। यानी कि क्वांटिटी आ गई 46:4। अब आगे सुनना ध्यान से, ये बोल रहा है 20% का लाभ होना चाहिए, यानी कि 1/5। 5 वाली वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, 6 में। कितने में, 6 में। तो 5 वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 6 में। ये बोल रहा है 6 में नहीं बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, यहाँ से कितने में बेच रहा है,
तो कितना गुना है ये, 7 गुना। कितना गुना है, 7 गुना। देखो 6 7 42, 42 है, 46 है, ये इसमें से 92 है। क्षण में, 1 मिनट में चेक करता हूँ कितना रिजल्ट आ रहा है। ये बोल रहा है 96 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो इनका अंतर देखो आप, पहले इनका अंतर देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 46 में से क्या 4 चला जाएगा, तो 42 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। अपने अकॉर्डिंग कितना होने वाला है, 5 से वस्तु 6 पे जाएगी। अपने अकॉर्डिंग कितने का हो रहा है, 1 का, तो 6 का नहीं हो रहा है, कितने का हो रहा है, यहाँ से कितने का है, 6 7 42, 7 गुना है, तो ये 5 भी क्या होगा, 7 गुना होगा। कितना रिजल्ट आ जाएगा, 35 रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से कितना कम है, 1 कम है, कितना कम है, 1, तो यहाँ से 1 के साथ कितने की मल्टीप्लाई, 7 की, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, 7। आगे बात समझो, ये वाला रिजल्ट कितना आया, 42। रेशियो ये कितना हो जाएगा, 1 कम है, यानी कि 35 से 7 कम करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 28। तो ये आ जाएगा अपना रिजल्ट, 42 रेशियो 28। इसको फाइंड आउट कर लो, देखो इसको 2 से काटोगे 21 बार, इसको 2 से काटोगे 14 बार, फिर आप इसको 7 से डायरेक्ट काट लो, तो 3 रेशियो 2 क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3 रेशियो 2, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसने कहा है 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से एक अन्य घी है और उसमें तेल मिलाया जा रहा है, मिलावट मिलाई जा रही है, दोनों का मिक्सचर बनाया और कितने में बेच दिया, 96 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। अपन को क्वांटिटी चाहिए कि कितना कितना उसमें मिक्सचर किया, तो इसमें से ये घटाएंगे, ये आपको एवरेज पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या एवरेज वाला, उससे है ये क्वेश्चन। तो ये घटाया, 4 आ गया, इससे इसको फाइंड आउट किया, 46 और 4 आ गया, तो देखो कितना एक्स्ट्रा है, 42 रुपया एक्स्ट्रा है। अपने अकॉर्डिंग देखें 20%, यानी कि 1/5, 5 से रिजल्ट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 42। कितना गुना है, 7 गुना है, तो ये भी कितना होगा, 7 गुना 35। देखो अब कितनी क्वांटिटी कम है, 1 क्वांटिटी कम है, 1 क्वांटिटी का रिजल्ट 7, यानी कि मल्टीपल 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर ये रिजल्ट 42 है तो इस वाले रिजल्ट में 7 घटा दो, कितना आ जाएगा, 28। रिजल्ट निकाल लो कितना आएगा, 3 रेशियो 2, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखो फाइंड आउट करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। मुकेश 40 kg गेहूँ 12.50 रुपये प्रति की दर से तथा 25 kg गेहूँ 15.10 प्रति केजी के भाव से खरीदता है, इन्हें मिलाकर किस मिश्रण के भाव से बेचे कि इसे 10% का लाभ हो। बड़ा ही सिंपल है, 40 kg गेहूँ ला रहा है, किस रेट से, 12.50 रुपये की दर से ला रहा है, ठीक है, फिर बोल रहा है कि 25 kg ला रहा है, वो रेट क्या है, 15.20 है, और इन टोटल को वो बेचे तो उसे क्या हो, 10% का क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। तो देखो वो कितने में खरीद के लाया, टोटल निकाल लेंगे, ये क्या है उनका क्रय मूल्य है, तो 2 मल्टीप्लाई है, 1250 × 40, 40 यार, हाँ, तो 0000 × 0 पाँचों के 20 हासिल, 2 8 और 2 10 हासिल कितनी, 1, 4 और 1 कितना आ गया, 5, 2 अंकों बाद में 10, यानी कि यहाँ से कितने रुपए खर्च हो गए, 500 रुपये खर्च हो गए। नेक्स्ट 15.20 को मल्टीप्लाई करो किससे, 25 से, तो 0 आ गया, 0 आ गया, 25 और 1 26 आ गया, और 7 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, और 3 आ गया, यानी यहाँ से 0008 3 कितने रुपए लग गए, 380 रुपये जेब से लग गए। आगे बात समझे, कितना खरीदा है उसने टोटल, 65 kg गेहूँ खरीदा है, कितने रुपए में, कितने रुपए जेब से लगे उसके, 880 रुपये उसके जेब से लग गए। समझ गए होंगे आप इस बात को। अब देखो जब बेचने की बारी आएगी तब भी आप वो कितने में बेचेगा, 65 kg खरीद के लाया तो बेचेगा भी कितना, 65 kg ही, और उसको प्रॉफिट होना चाहिए 10% का, यानी कि 10 वाली वस्तु को वो कितने में बेचना चाहिए, 11 में बेचना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं। अब देखो खरीदा कितना था उसने, 880, 880 जो इससे कितना गुना है, 11 गुना है, कितना गुना है,
गुना, 11 गुना ही है क्या, 88 गुना है, कितना गुना है, 88। ठीक है, ठीक है, तो इसकी भी मल्टीप्लाई करो आप किससे, 88 से। तो देखो ये रिजल्ट कितना आने वाला है, 88 इंटू 11, तो कितना आया 88, और यहाँ से 88 यानी कि 8, 16 और कितना आ गया 968 रुपये में। अगर वो 968 रुपये में बेचे तो उसको क्या होगा, 10% का फायदा होगा। उसने पूछा है कि प्रति केजी भाव क्या है, तो 968 बट्टे में क्या 65, जिससे कट रहा है उससे काट लो। किससे कट रहा है ये, 13 से कट रहा है क्या, 13 से काटने की कोशिश करते हैं, 13 पंजो 65, तेज खानी ठिंदर 13 सती 91, कितना 58, नहीं कटेगा इससे, तो नहीं कटेगा। 968 ही आ रहा है क्या प्रॉपर, ये 11 हो गया 968। एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, उसने कहा है कि 10 रुपये प्रति केजी, हाँ अपन ने मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पे 20 लिया ना, यहाँ पे कितना था, 10 ही था, तो दूसरी मल्टीप्लाई में अपन ने मिस्टेक कर दी। तब भी मैंने सोचा इतना रिजल्ट कैसे जा रहा है, ये 10 है यहाँ पे, तो 0 5 5 हासिल 2 7 आ गया, इनटू ये रिजल्ट कितना आ गया, 0 2 0 2 और 1 3 आ गया, तो यहाँ से आ गया 377.50, ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, इनको सबको फाइंड आउट नहीं किया क्या, ये 0 आ गया, ये 25 आ गया, चलो ठीक है। तो उसकी जेब में से कितने रुपए लगे हैं, यहाँ से, यहाँ से तो उसके लगे थे कितने, 500 रुपये, और यहाँ से लगे हैं इसके 377.50 रुपये, तो टोटल रिजल्ट उसका कितना लगेगा, इसमें ये जोड़ दो 0.5778, इतना रिजल्ट लगेगा। ठीक है, वो इतने में नहीं खरीद के लाया था, अपन ने रॉन्ग कर दिया, 10% का उसको प्रॉफिट से इतने में खरीद के ला रहा है, कितने में, 877.5, इतने में वो खरीद के ला रहा है, इसके क्या 1 बिंदु, तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा, 877.5 गुना हो जाएगा। तो इसकी भी मल्टीप्लाई इससे करो, 877.5 की मल्टीप्लाई 11 से करो, तो देखो एक बार ये रिजल्ट आ गया, एक बार रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 2 14 और 1 15 हासिल 1 8 8 16, 2 अंकों बाद में 10, इतना रिजल्ट आ गया, कितना, 965.25, आगे बात समझ में। अब इसको अपन को डिवाइड करना है किससे, 65 से, किससे डिवाइड करना है, 65 से, तो देखो 965.25 को आप किससे कर लो, 65 से कर लो, 5 से काट लो, 5 से काटोगे 13 बार, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 नम्में 45, 5 दिया 15.5, और काट लो इसको, इसको काटोगे तो 13 एकम 13, कितना शेष रहा, 6 शेष रहा, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65 होता है, तो 13 26 13 39 13 चौक 52, ठीक है, 13 चौक 52 आ गया, घटा लो कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 8, तो लगभग आ जाएगा उसका 14.8, आंसर आ रहा है क्या ऐसा कुछ अपना, 14.85, हाँ आ रहा है, रुपए प्रति केजी के हिसाब से उसने क्या किया था, उसको क्या किया था, बेचा है कितने में, 14.85 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसने सेल आउट किया है। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, उसने कहा है कि 40 केजी गेहूँ खरीदे हैं वो 12.50 की रेट से, यानी कि उसकी जेब से कितना खर्च हो गया, 500 रुपया, 25 केजी लिए थे उसने 15.10 की स्पीड से, तो इतना खर्च, टोटल खर्च इतना, अब उसे प्रॉफिट चाहिए 10% का, यानी कि 10 वाली वस्तु कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो, तो 10 वाली वस्तु को 11 में बेचे, फिर अपन ने ये निकाला, इतना रिजल्ट आया कि इतने में उसने सेल आउट किया है, कितना गेहूँ, 65 केजी, टोटल को 65 से डिवाइड किया, इतना अपना रिजल्ट आ गया, यानी कि प्रति केजी किस भाव से उसने सेल आउट किया है वो रिजल्ट आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से,
कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पे बेचा, यानी कि टोटल 100% भाग होता है, उसमें से 50% भाग उसने 20% के लाभ पे यानी कि 120% में बेचा। मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तथा शेष कपड़े का आधा भाग, देखो 100 था, 50 उसने बेच दिया, बचा कितना 50, इसका भी आधा भाग यानी कि 25% कितने में बेच रहा है, 20% की हानि पे, यानी कि उसने 80/100 में बेच दिया। तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पे ही बेच दिया, कितना शेष रहा 25, 25 को 25 में ही सेल आउट कर दिया। ये निकाल लो, अपना रिजल्ट आ जाएगा। इसको काटो तो ये कितना आ गया, 12 पंजो 60 रुपये, यहाँ से 50 के कितने कमाए 60, यहाँ से 25 चौक 100, ये कितना 20, यहाँ से ओनली फॉर उसने 20 रुपये कमाए, प्लस यहाँ से उसने कितने कमाए 25 रुपये, यानी कि उसने टोटल ऑफ 100 खरीदा था, 100 में खरीदा था, तो इतने में वो क्या करेगा, बेच रहा है। तो ये टोटल रिजल्ट कितना हो गया, 105, 100 में खरीद रहे हो, 105 में बेच रहे हो, तो 5 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, किस पे, 100 पे, तो 100 का 5%, 5 कितना होगा, 5% ही होगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50 अपना कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।